देश भर में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए केस पाए गए हैं। अब कोरोना ने स्कूलों पर भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में यमुनानगर जिले के बिलासपुर स्थित सरकारी स्कूल की, जहाँ पर 7 छात्र और 2 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन व बच्चों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने पर स्कूल में कोरोना नियमों को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। जैसे कि इस विद्यालय में बच्चों की चेकिंग हो रही है, तो उस चेकिंग के दौरान कई बच्चे हमारे 6-7 बच्चे पॉजिटिव पाए गए और 2 टीचर भी हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम जैसे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं हमारे, तो एग्ज़ाम में और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और हमने सुबह आते ही क्या कराते हैं कि स्कूल में सर्वे करा देते हैं और जो भी नॉर्म है इसके कोरोना कोविड के उसको अपना रहे हैं हम। एक्चुअली मेरे विद्यालय के बच्चे जब अंदर आते हैं तो सब के सब बच्चे मास्क लगाते हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ, उनको टोकता भी हूँ कि जैसे बच्चे गेट से बाहर जाते हैं तो फिर अपने उसी लाइन में आ जाते हैं और मास्क उतार के अपने बैग में रख लेते हैं। उनको बार बार टोका जाता है और थोड़ा सा उनको समझा जाता है। हाँ, मेरी यही माँ बाप से भी यही अपील है कि इन बच्चों को आप भी समझाएं। देखो, माँ बाप का भी रोल बहुत बड़ा रोल होता है टीचर के साथ साथ। तो जिस तरह से बच्चे मेरे विद्यालय में ये मास्क का प्रयोग करते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, इस तरह से वो घर में भी मास्क को लगाएं, घर से बाहर आएं और इसमें कोई पूरी सावधानी रखें। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सभी से कोविड से बचने के सभी नियमों की पालना करते रहने की अपील की है। सरकारी स्कूल में हमें खबर मिली थी कि एक टीचर पॉजिटिव आया है, तो हमने अपनी टीम को, जैसे संदीप कुमार है, सोनिया है और मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनको हमने शनिवार को 3 तारीख को यानी स्कूल में सैंपलिंग करने के लिए भेजा। जो बच्चे थे और टीचर्स थे स्कूल में, उनकी सैंपलिंग करने के लिए भेजा। तो अब उसमें से आज रिपोर्ट आई है, काफ़ी उसमें 7 बच्चे और 2 टीचर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हमारी टीम है, हमने ये कराया प्लान। अब पूरा हम दोनों स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें कल सैंपलिंग की योजना बना रहे हैं उनमें जाने के लिए, ताकि बाकी बच्चे सुरक्षित रहें। ठीक है, जो बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो बाकी औरों को ना संक्रमित कर दें। तो ये हम पूरी टीम है हमारी। स्वास्थ्य विभाग की सैंपल अधिकारी मीरा जिंदल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्कूल में एक टीचर पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को तुरंत सरकारी स्कूल में सैंपल लेने के लिए भेज दिया गया और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद 7 बच्चे व 2 टीचर पॉजिटिव पाए गए। अब स्वास्थ्य विभाग जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में जाकर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि बाकी बच्चे सुरक्षित रहें और कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बेशक कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी बेहद जरूरी है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी।